नवी मुंबई नेटवर्क। कापड़ी पिशवी वापरेन बी पर्यावरण वाचवेन, इस ब्रीदवाक्य को सार्थक करते हुए देवशयनी आषाढ़ी एकादशी के औचित्य पर प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल ना कर पर्यावरण संवर्धन का संदेश देते हुए शिव प्रेरणा प्रबोधन ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व परिवहन समिति सदस्य बिसाजी लोकी ने सानपड़ा क्षेत्र के तमाम नागरिकों को पर्यावरण पूरक कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करने का संदेश देते हुए एक अनोखी मुहिम की शुरुआत की। हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों पर्यावरण पूरक कपड़े की थैलियों का उद्घाटन करने के पश्चात बिसाजी लोकी ने आषाढ़ी एकादशी के शुभ मुहूर्त पर अपने इस अनोखी मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने कई मंदिरों में जाकर वारकरियों और नागरिकों को पर्यावरण पूरक कपड़े की थैलियों का वितरण किया। गौरतलब है कि बिसाजी लोकी ने इस दौरान पर्यावरण संवर्धन का संदेश देते हुए सानपाड़ा स्थित श्री दत्त मंदिर, सानपाड़ा सेक्टर 8 में स्थित श्री गणेश मंदिर में जाकर मंदिर में आ रहे तमाम वारकरियों, भक्तों और नागरिकों को कपड़ों की थैलियों का वितरण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सानपाड़ा के विभिन्न सोसाइटियों के साथ घर घर में भी जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पर्यावरण पूरक कपड़े की थैलियों का वितरण कर नो प्लास्टिक का संदेश देते हुए पर्यावरण संवर्धन का संदेश जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। जहां इस दौरान उनके साथ शिवसेना उप विभाग प्रमुख गणेश पावगे, शाखा प्रमुख सूर्यकांत झेंडे, शाखा प्रमुख उमेश लोहट, देवेंद्र चोरघे आदि तमाम शिवसैनिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नवी मुंबई नेटवर्क से बात करते हुए बिसाजी लोकी ने कहा कि उनका मकसद है कि पर्यावरण के लिए घातक प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल ना कर सभी लोग कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल कर पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन को बचाएं। प्रथम सर्व भक्तांना, विठ्ठल भक्तांना, देव भक्तांना आषाढ़ी एकादशीचा खूप सारा शुभेच्छा। त्याचप्रमाणे नवी मुंबई महानगरपालिकेने जे पर्यावरण मुक्त पिशव्यांचं अभियान राबवलं होतं त्या अभियानाला स्मरून आणि पर्यावरणाला स्मरून माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या हस्ते या पर्यावरणपूरक पिशव्यांचं, कापडी पिशव्यांचं उद्घाटन झालं होतं। त्या विश्व वारकऱ्यांपर्यंत, भक्तांपर्यंत, नागरिकांपर्यंत पोहोचणं आमचं काम होतं। आज आम्ही ते काम आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने करत आहोत। प्लास्टिक पिशव्या टाळा आणि कापडी पिशव्याचा वापर करा आणि पर्यावरण वाचवा, हाच आमचा एक त्यामागचा हेतू आहे। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower.